और इस फॉर्मूले को एक साथ लिख देना आप, ताकि आपको ये रिपीट करने फॉर्मूले। देखो पहला फॉर्मूला आएगा आपके पास हेनरी लॉ से, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में दो फॉर्मूले आपके पास यूज होने हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू के एच हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। पहला फॉर्मूला हेनरी लॉ का है प्रेशर इज इक्वल टू के एच। देखो पी क्या है यहाँ पे, पी इज प्रेशर, और के एच क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कॉन्स्टेंट और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन गैस, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद करनी है आपने। दूसरा फॉर्मूला हेनरी लॉ का है एम इज इक्वल टू के एच इंटू पी। पी तो प्रेशर हो गया, के एच हेनरी कॉन्स्टेंट हो गया, एम होता है यहाँ पे मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ गैस को एम से दिखाएंगे। तो दो फॉर्मूले हैं हेनरी लॉ के, इसे लिख लो पहला फॉर्मूले दो हेनरी लॉ। सर, आपकी आवाज कट रही है। अब नहीं कटेगी, देखो अब हम नेटवर्क को ही काट देंगे। अब एक मिनट, बस ये हो गया और ये हो गया, अब नहीं कटने का। अब तो सही आवाज आएगी ना, अब नहीं कट रहा होगा। यस सर, अब आ रही है। यस सर, हाँ क्लियर। हाँ अब मैंने कह दिया ना आपको, अब क्लियर होगा। अब बताओ ये हुआ पहला फॉर्मूला हेनरी लॉ का। अब सेकंड देखो, सेकंड है आपके पास, पहले बेसिक से ही चलते हैं, स्टार्ट से मास परसेंटेज से। पहला स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। इसे लिखते चले जाओ ताकि आपको इसे याद करना है और याद हो जाए लिखते लिखते। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, ठीक है। ये है आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। और इसको दिखाते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से या बाय मास से। क्वेश्चन में डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा होता है या बाय मास लिखा होता है। एक मिनट, हाँ वन सेकेंड। अच्छा क्लियर हुआ। यस सर, सेकेंड देखो वॉल्यूम यस सर, परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200, इन 200। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। इसको दिखाते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मीन्स वॉल्यूम परसेंटेज, और बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम इसका मतलब वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है। तो ये बाय वॉल्यूम होगा या वी बाय वी होगा, और कोई यूनिट नहीं होती। फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200। तीसरा आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास पहले लिखा है, तो जो पहले लिखा है उसे ऊपर लिखना है आपने, मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, हाँ अपॉन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेरी गुड, इसकी यूनिट क्या होगी, देखो मास क्या, ग्राम पर मोल, हाँ ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम के लिए क्या लीटर, आएगा, लीटर, सॉरी एमएल, ग्राम पर एमएल। वॉल्यूम किस में आता है, सम जैसे आपने कहा कि मैं इतना वॉल्यूम लाई यानी इतने लीटर पानी लाई, लीटर में आएगा या एमएल में आएगा, ठीक है। तो ग्राम पर एमएल, सर, और इसको ब्रैकेट में कैसे दिखाएंगे, डब्ल्यू बाय वी, और या फिर बाय मास वॉल्यूम, बाय
मास वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला परसेंटेज के बेस का। इसे साथ साथ लिखते चले जाओ क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें लगभग यही फॉर्मूले यूज होंगे बस। और इनमें से सर इसकी यूनिट ग्राम पर मोल है ना? हाँ, ग्राम पर एमएल, एमएल मिलीलीटर। मोल तो किसका होता है? मोल होता है अमाउंट। यस सर। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। सेकंड हेडिंग इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, या अमाउंट कह दो या मास कह दो या वेट कह दो, यहाँ पे हम एक ही चीज ले लेते हैं। ध्यान रखना, वेट लिखा होता है किसी बुक में, किसी में मास लिखा होगा, यहाँ पे हम वेट को और मास को या अमाउंट को हम सेम चीज कंसिडर करते हैं। ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा हो, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हो या मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हो, एक ही बात है, ग्राम में होना चाहिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गई स्ट्रेंथ। इसकी यूनिट हो जाती है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। ठीक, तो वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में। तो साथ साथ याद करना है, मुझे लिख के दिखाना, आपने याद करके सुनाना है कल पूरा। आज का यही टारगेट है, पूरे फॉर्मूले याद कर लो बस। यस सर। ठीक है, यस सर। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो सेकंड है स्ट्रेंथ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट होगी ग्राम पर लीटर। अब नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इसके लिए आता है स्मॉल एम, मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट या मास, कुछ भी मैंने कहा अभी, वेट कर लो या मास कर लो, वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये केजी में होना चाहिए, ये मोल में होना चाहिए। तो इसकी यूनिट हो जाती है, देखो, मोल पर केजी, मोल पर केजी इसकी यूनिट है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को शॉर्ट में लिखते हैं एन बी, बी फॉर सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिखते हैं डब्ल्यू ए। अब हम इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाता है डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। बी वर्ड कहीं भी आएगा तो इसका मतलब हुआ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बी के लिए। जैसे एम बी, एम बी हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू ए का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, ए कहीं पे भी आएगा वो सॉल्वेंट के लिए यूज हो रहा है, और बी आएगा सॉल्यूट के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका मोलैलिटी का, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, मोलैलिटी पे अगर आएगा तो, ये वाला फॉर्मूला। ये हम आगे भी पढ़ रहे थे किसमें, जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किया था, तो वहां पे भी मोलैलिटी आई थी। मोलैलिटी इसलिए आती है क्योंकि ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी चीज टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होती है, तो कौन होता है? मोलैलिटी, क्योंकि इसमें वेट होता है, मोलैलिटी। तो वेट का टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखो, इसे रब कर दूं? यस सर। ओके, अब देखो, अब मैंने कहा था अगर इसे हम करेंगे डाइल्यूशन में, ऑन डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन यूज करते हैं तो डाइल्यूशन में क्या होगा, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, ये हो जाएगा डाइल्यूशन का फॉर्मूला। और अगर हम करते हैं इसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, रिजल्टेंट में एम वन स्मॉल एम सॉरी स्मॉल एम वी वन प्लस स्मॉल टू वी टू इज इक्वल टू स्मॉल थ्री एम थ्री वी वन प्लस वी टू। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके तीन फॉर्मूले हैं, अब आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा।
और यही चीज किसके लिए यूज होती है? मोलैरिटी के लिए. मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम. इसका भी फॉर्मूला सेम होता है ऊपर वाला, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में. तो इसलिए इसकी यूनिट हो जाती है, ऊपर मोल लिखा है तो मोल लिखेंगे ऊपर के लिए, और नीचे है लीटर तो मोल पर लीटर, या कैपिटल एम से भी दिखाते, उसे स्मॉल एम से, इसे कैपिटल एम से. तो कैपिटल एम आ गया मतलब मोल पर लीटर. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए एन बी हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए वी हो जाएगा लीटर में. लेकिन क्वेश्चन में तो एम एल में होता है, तो हम इसे चेंज कर देते हैं, डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए इंटू वॉल्यूम. अब ये वॉल्यूम किसमें हो गया? एम एल में, क्योंकि हमने इसे थाउजेंड से डिवाइड कर दिया. तो इसीलिए ये फॉर्मूला इसका मेन है जो सबसे ज्यादा चलता है, ये वाला डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए इंटू वी. वी इसमें अलग है बस, ये है सर, इसको लीटर में होना चाहिए ना. लीटर में है, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करते हो तो एम एल में करते हैं ना हम. तो हम क्या करते हैं, लीटर को क्या करेंगे कि वॉल्यूम एम एल में चेंज करेंगे, अपॉन थाउजेंड कर देंगे. तो जब आप मिली लीटर को थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में. तो हमने यहाँ पे उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, ताकि हमें चेंज ना करना पड़े, डायरेक्टली हम वैल्यू रखते. यस सर, ठीक है. और वी है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक. यस सर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू. यानी इसके लिए भी अगर आप डाइल्यूशन के लिए यूज करोगे, डाइल्यूशन करने के लिए, तो डाइल्यूशन में क्या होगा? डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना. डाइल्यूशन में हम इसे कहेंगे एम वन वी वन, वही वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगेगा जो उसमें लगा था, एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू. और अगर हमने कहा रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए बताओ, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा तो इसके लिए हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम थ्री वी वन प्लस वी टू. तो ये मोलैरिटी का है, मोलैरिटी का, कैपिटल एम, मोलैरिटी. डन? यस सर. अब देखो इसके बाद आता है आपके पास मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, देखो इसको दिखाते हैं दो से, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. अगर ए के लिए होगा तो इसमें होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये इसकी डेफिनेशन भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. बी के लिए करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ बी. और एक और है इसमें कि अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर वन आएगा हर हमेशा. तो आप एक की वैल्यू को निकालोगे, दूसरे को वन से माइनस कर दोगे, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है. तो ये हो गया आपका तीसरा कॉन्सेप्ट, क्लियर है? यस सर. अब ऐसे ही सेम आता है मास फ्रैक्शन का. मास में जहां पे मोल लिखा है आपने, वहां पे क्या लिख देना है? मास लिख देना है बस. मास फ्रैक्शन सेम कॉन्सेप्ट है जैसा ये है, और इसको रिपीट करते जाओ बार बार. इससे देखो क्या होता है, आपकी मेमोरी चेक होती है. आपने देखा एक बार, लिखा हेडिंग लिख दो, और उसके बाद अपने आप कोशिश करो आप, और आप अपनी मेमोरी से देखो आप कितना सही लिख पाते हो. डब्ल्यू ए है वेट ऑफ ए अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट. ऐसी
मास फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ बी प्लस वेट प्लस वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। और इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों का प्लस वन होगा, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का आंसर है एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, नहीं होती। ठीक है, ये पूरा चैप्टर दो पेज में खत्म हो जाएगा आपका बस। यस सर। और इसे रिपीट करना है 10 times कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद हो जाए। अब आता है पीपीएम। पीपीएम इज इक्वल टू अमाउंट या मास ऑफ सॉल्यूट, जैसा परसेंटेज में था वही है आपका, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट एक ही बात है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 1 million पूछा आपसे कि 1 million में कितने जीरो होते हैं, तो आपको याद रहेगा 6 0 होते हैं, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि दोनों ग्राम में होते हैं, ये भी ग्राम में होगा ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला भी ग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है पीपीएम की? पीपीएम है पार्ट्स पर मिलियन, पी मतलब पार्ट्स, पी फॉर पर और एम फॉर मिलियन। वो कहता है ये उन लोगों के लिए जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनके मार्क्स परसेंटेज में नहीं आते फिर, ठीक है, परसेंटेज में क्या होता है, पर 100 होता है, ठीक है। आपके स्कूल में भी है ऐसे स्टूडेंट कोई जिनके मार्क्स मिलियन में काउंट होंगे? नो सर। नहीं है, जैसे उसके मार्क्स आ गए 100 में से 0.001 मार्क्स, तो फिर हम उसे किस में काउंट करेंगे, पीपीएम में। पीपीएम, हाँ, तो ये किसके लिए यूज होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए, जहां पे बहुत कम क्वांटिटी होगी वहां पे हम पीपीएम का यूज करते हैं, अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, परसेंटेज का, पर 100। और पीपीएम का हम कब करते हैं, जब हमें मिलियन से काउंट क्वांटिटी, हाँ, पर मिलियन के लिए, ठीक। मिलियन का मतलब बहुत कम हो गई, परसेंटेज का मतलब 100 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और मिलियन का मतलब 1 million यानी 10^6 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पीपीएम क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, 1 million होता है 10^6, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, ये वहां पे यूज होता है जहां पे वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी होती है, क्लियर? Yes, तो आपका पहला पोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, सेकंड में हम आ गए थे हेनरी लॉ, हेनरी लॉ भी आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम रॉल्स लॉ पे, नेक्स्ट स्टेप इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला बताया था, सपोज दो कंपोनेंट है ए एंड बी, अगर इसका पार्शियल प्रेशर पी ए है और इसका पी बी है, इसका पी नॉट ए है प्योर स्टेट में प्रेशर और इसका पी नॉट बी है, इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है इसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, तो रॉल्स लॉ कहता है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सीधी सी बात है। एक है, एक कैटेगरी के लोग हैं 10 और एक के लोग हैं 100, तो जो 100 होंगे वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, है ना, तो जितना जिसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और यही बात कौन कहता है, रॉल्स। तो बहुत सिंपल सी बात थी, है ना, और उसने उसको लॉ बना दिया। तो ये हो गया रॉल्स लॉ का पहला फॉर्मूला, और ये b के टर्म्स में हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे पी ए क्या है, देखो पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, और मैंने कहा पी नॉट ए, पी नॉट ए हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, जब प्योर स्टेट में है तो नॉट दिखाएंगे, ऐसे पी नॉट बी कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, और मैंने कहा पी बी बताओ
तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट बी सॉल्यूशन में कितना लगा रहा है और अलग से कितना लगा रहा है। ऐसे मैंने कहा एक्स ए, तो आप बता दोगे ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मैंने कहा एक्स बी बताओ, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला देखो, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ये है राउट्स लॉ फॉर सर, पर ए तो सॉल्वेंट को दिखाता है और बी सॉल्यूट को। हाँ, तो इसमें वोलेटाइल है ना, दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, सॉल्यूट के भी वेपर्स बन रहे हैं, सॉल्वेंट के भी वेपर्स बन रहे हैं, क्योंकि वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स बन जाते हैं। Yes, तो इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, ऐसे रिवीजन भी कर सकते हो आप। देखो किसी भी चैप्टर को उठाओ फिर दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, जैसे हमने कल किया, एक घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। तो आप एक बार पढ़ोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, उसे थ्री टाइम्स पढ़ लो, तो जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको उतना याद हो जाएगा। तो जब तक आपको कंप्लीट याद नहीं होगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे चैप्टर को। ठीक है, अब इसके बाद आता है देखो टोटल प्रेशर। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि टोटल प्रेशर बताओ, तो टोटल प्रेशर के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल प्रेशर के लिए लगाते हैं हम डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कहता है पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, जितना पी ए लगा रहा है सॉल्यूशन में और जितना पी बी लगा रहा है, इन दोनों का प्लस कर दो, ये टोटल प्रेशर हो जाएगा। और पी ए इक्वल टू आपको पता है पी नॉट ए एक्स ए और पी बी आपको पता है पी नॉट बी एक्स बी, तो इन दोनों का प्लस करके ये आंसर आ गया। तो टोटल प्रेशर आएगा तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना आपने। ठीक है, आप इसमें से एक दूसरे को चेंज कर सकते हो, अगर आपको एक ही दिया हुआ है तो दूसरे को आप चेंज कर सकते हो, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन है, अगर आपको एक का पता है दूसरा आराम से निकाल सकते हो या उसे हटा सकते हो। डन? यस सर। तो ये आपका राउल्ट्स लॉ हो गया किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हो गया। अब हम करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। अब इसके वेपर्स नहीं बनेंगे जिसके लिए, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जिसके लिए बन रहे थे उसका अलग फॉर्मूला है, जिसके नहीं बन रहे उसका अलग फॉर्मूला। इसमें होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, ये होता है फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ तो। तो फिर हम इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं डाइल्यूट के लिए। दूसरा, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन, इसको अपोजिट याद रखना, डब्ल्यू बी है तो एम ए और यहाँ पे नीचे होगा डब्ल्यू ए तो एम बी। ठीक है, इसके है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी यही है। इसमें देखो क्या है, पी नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इसे कहते हैं पी नॉट। नॉट का मतलब सॉल्वेंट के लिए और पी एस का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक्स बी आपको पता है बी फॉर सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ऐसे डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू ए ए फॉर सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट ए। एम के लिए क्या होगा, एम मतलब मोलर मास, तो एम ए का मतलब मोलर मास सॉल्वेंट, ए फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का होगा ए यूज करेंगे। और अगर बी है तो सॉल्यूट के लिए, तो एम बी मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका किसके लिए, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या फिर, हाँ
डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। रिटर्न या अभी रह गया? सर हो गया, सर हो गया, हो गया। अब देखो, अगर सपोज करो कि ये तो डाइल्यूट के लिए था, अगर वो कहता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसके लिए फॉर्मूला होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, बस एक चेंज हो जाएगा यहाँ पे, पी एस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ठीक है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। तो बाकी मैंने सब कुछ इसमें बताई दिया, बस एक चेंज होगा पी एस, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप पी एस लगा दो, बस उससे भी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेट नॉन वोलेटाइज सॉल्यूट का। अब आते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पहला है वो तो मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें अच्छा एक और है, देखो पहला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसमें पी नॉट माइनस पी एस मैंने आपको बताया नहीं, पी नॉट माइनस पी एस होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कम कितना हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे पी नॉट तो ज्यादा होगा पी एस कम होगा, तो कम कितना हुआ, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो रिलेटिव लोअरिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आएगा कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपको इसका मतलब वो आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और आपको देखना है कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, बाकी तो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको, बाकी सब किसका है, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो उसे रिविजन उसको दोबारा दिखाना है या चल जाएगा? सर हो जाएगा, सर चल जाएगा, हो जाएगा। अब देखो दूसरा इसमें आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला, इसमें तीन ही फॉर्मूले बस आपके पास मेन, एक है डेल टी बी यानी चेंज या एलिवेशन कितना हुआ, ये डेल टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कितना होगा, जितना टी बी माइनस टी नॉट बी। अब टी बी क्या है यहाँ पे, किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, टी बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट आ गया ऊपर से, तो नॉट किसका हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कहेंगे नॉट और सिंपल होगा सॉल्यूशन का, और डेल टी बी होता है कितना बड़ा यानी एलिवेशन, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें एक और फॉर्मूला है, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, दिस इज मोलैलिटी, और मोलैलिटी का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, तो ये डेल टी बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा के बी इंटू एम। ठीक है, और एम को आप और एक्सटेंड कर सकते हो, एम की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, एम होता है डब्ल्यू बी इंटू थाउजेंड अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, ये तीन फॉर्मूले जनरली आपके यूज होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तीन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो अभी टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, तो आपके पास yes, sir. ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है इसका, रिज्वाइन कर लो आप।